दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके चैनल पैराडाइज कंप्यूटर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिनो पेमेंट्स बैंक को लेकर कि फिनो पेमेंट्स बैंक में किस तरह से, जैसे हम आप सभी यूज़ कर रहे होंगे फिनो पेमेंट्स बैंक का जो आईडी है, आप फिनो मित्रा ऐप का यूज़ कर रहे होंगे मोबाइल में, कैसे बैलेंस इंक्वायरी करते हैं वो सारा, पहले कैसे विड्रॉ करते हैं वो सारा जानकारी आपको पता होगा कि मोबाइल में कैसे करते हैं। लेकिन आज मैं बताने वाला हूँ कि कैसे हम पीसी में अपने कंप्यूटर में कैसे उसको यूज़ करते हैं, कैसे बैलेंस इंक्वायरी करते हैं, कैसे कैश विड्रॉ करते हैं, वो सारा जानकारी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को देखने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे कि जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने क्रोम ब्राउजर में एक वेबसाइट को ओपन करना है। वेबसाइट का नाम है partner.finopaymentbank.in/cms login। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्ट आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ आपको जो यूजर आईडी मांगा जाएगा, इस यूजर आईडी में आपका यूजर आईडी जो भी होगा उसको डालकर यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे ये थोड़ा सर्चिंग लेगा, सर्चिंग लेने के बाद जो एक नया पेज होगा जो मैं ओपन कर देता हूँ। जैसे जैसे ये ओपन होता है सारा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताते रहूँगा। इस चीज़ को सीखने के लिए आपको ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। जैसा कि हमारा ये आ गया है, इसमें आपका जो यहाँ पर इंटर यूजर आईडी है, इसमें आपका यूजर आईडी यहाँ पे जो है आपका शो कर जाएगा। जैसा कि हमारा ये यूजर आईडी शो कर रहा है, यहाँ इस तरह का कुछ पॉपअप होगा तो यहाँ नो थैंक्स या ओके कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक बटन दिया गया है नेक्स्ट का, आपको इस पर दबा देना है। जैसे आप इस पर दबाते हैं तो इसका जो है नया पेज आएगा जिसमें पासवर्ड मांगा जाएगा, इसमें आपको अपना पासवर्ड जो है डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे एक सबमिट का बटन आता है, सबमिट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका जो है ये लॉगिन का पेज जो ओपन हो जाएगा। जैसे ओपन होता है मोबाइल में, इस तरह से पीसी में भी ये ओपन हो गया, इस तरह का पेज आपको ओपन हो जाएगा जिसमें यहाँ पे आपके अकाउंट में जो बैलेंस है शो बचेगा दिखाएगा, यहाँ अवेलेबल बैलेंस है शो दिखाएगा और एम ए बी बैलेंस जो है शो भी दिखाएगा। यहाँ पे आपको जो है प्रोफाइल का ऑप्शन दिया गया जहाँ से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, कुछ सेक्रेट क्वेश्चन उसको चेंज कर सकते हैं, ये सारा सिस्टम आपको यहाँ पर दिया गया। लेकिन अभी हम बात करने वाले कि बैलेंस इंक्वायरी कैसे करते हैं और कैश विड्रॉ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको जो है यहाँ पे इस कॉर्नर पे जो थ्री लाइन दिख रहा है, जैसे आप थ्री लाइन पे लाएंगे तो इस तरह का एक विंडोज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा AEPS का, सिंपली आपको AEPS वाले बटन पे दबा देना है। जैसे AEPS वाले पे दबाते ये थोड़ा सा रिफ्रेशिंग लेगा, ये थोड़ा सा टाइम लेता है, बस इसको ओपन होने देना। जिस तरह से ओपन होता है फोन में इसी तरह का ये सिस्टम इसमें भी ओपन होगा। चलिए यहाँ ओपन हो गया, जैसे पे देखेंगे हमारा ये पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे ओके वगैरह मांगा जाएगा जिसको आपको क्या कर देना है ओके कर देना है। अब यहाँ पे ऑप्शन है कैश विड्रॉ का, बैलेंस इंक्वायरी का, मिनी स्टेटमेंट का, लास्ट ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट का और AEPS स्टेटमेंट का। तो आज हम बात करने वाले हैं बैलेंस इंक्वायरी करना और कैश विड्रॉ करना। तो सिंपली आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले अपने मंत्रा या मोटो जो भी डिवाइस है उसको आपको अपने कंप्यूटर में प्लग इन कर लेना है। अगर आप प्लग इन कर रहे हैं सारा डिवाइस सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया है तो ठीक है, अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं कैसे इसमें उसका मार्फो या मंत्रा का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं सारा जानकारी मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। जैसे कि हमारे अपना डिवाइस अटैच कर लिया है तो यहाँ पे डिवाइस अटैच भी हो गया है। अब जैसे हम बैलेंस इंक्वायरी करना था, बैलेंस इंक्वायरी पे दबाएंगे, जिस भी बैंक का बैलेंस इंक्वायरी करना चाहते हैं तो चलिए हम किसी कस्टमर का ले रहे हैं तो यहाँ से बैंक का नाम डाल देते हैं। बैंक का नाम डालने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली आधार नंबर डालना होगा कस्टमर का, चलिए आधार नंबर डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चर बायोमेट्रिक पे क्लिक करना होगा। जैसे आप कैप्चर बायोमेट्रिक पर क्लिक करेंगे इस पर लाइट चलेगा, कस्टमर से फिंगर लगाना होगा, यहाँ से जो है आपका कैप्चर ले लगा। थोड़ा आधार नंबर गलत हो गया तो चलिए मैं फिर से डाल लेता हूँ। डालने के बाद यहाँ से फिर से हम कैप्चर बायोमेट्रिक करते हैं, यहाँ हमारे फिंगर में लाइट लेगा, कैप्चर हो जाएगा। जब कैप्चर हो जाता है, सक्सेस हो जाएगा तो यहाँ पे आपको एक सबमिट का बटन दिखेगा, इस सबमिट वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो यहाँ पर बैलेंस शो कर जाएगा। इस तरह से आप जो है बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं। अब हम फिर यहाँ से फिनिश कर देते हैं। फिनिश करने के बाद हम क्या करते हैं कि अगर आपको कैश विड्रॉ करना है तो कैश विड्रॉ का भी हम प्रोसेस बताते हैं। फिर से हमको AEPS में आना है। AEPS में आने के बाद यहाँ पे आपको एक नया पेज खुलेगा, जैसे पहले खुला था वहाँ पे कैश विड्रॉ वाला ऑप्शन का यूज हम करने वाले हैं। तो चलिए हम AEPS में पे क्लिक करते हैं और हमारा ये पेज ओपन हो चुका है। यहाँ कैश विड्रॉ को टिक करना है, जिस भी बैंक से आपको इंक्वायरी करना है
मतलब विड्रॉ करना है तो इस बैंक का नाम आपको क्या करना है, इसमें सर्च करना होगा। चलिए जो भी ओके वगैरह बटन आता है आपको ओके अपना कर देना है। तो चलिए हम बैंक का नाम डाल देते हैं। डालने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे जो भी अमाउंट करना चाहते हैं, चलिए हम डेमो के लिए करें तो अभी 100 रुपये ही ले रहे हैं। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको नीचे आधार नंबर डाल देना है। तो चलिए हम आधार नंबर डाल देते हैं। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है कैप्चर बायोमेट्रिक, आपको कैप्चर कर देना है। कैप्चर करने का, जब कैप्चर सक्सेस हो जाता है, आपको नीचे कैप्चर सक्सेस का स्क्रीन दिख रहा होगा, इसके बाद आपको यहाँ सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। ये सब सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है ट्रांजेक्शन सक्सेस हो जाएगा। यहाँ विड्रॉ अमाउंट दिखाएगा या नीचे न्यू बैलेंस बच गया है सो आपको दिखाएगा। तो इस तरह से आप जो है फिनो पेमेंट्स बैंक का जो आईडी है आपको कंप्यूटर में यूज ऐसे कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे मिनी स्टेटमेंट निकालना, उसका प्रिंट करना, ये सारा डिटेल हम सीखने वाले हैं। तो उम्मीद है आज ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो का लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें।